ये बहुत ही बड़ा एक मोमेंट है जिसे एंजॉय करने जाओ तो समझ में नहीं आता है कि कैसे एंजॉय करो, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मुझे लगता है कि जब इस लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक फिल्म को यू नो इम्पोर्टेंस दिया जाता है या सम्मानित दिया जाता है, तब लगता है कि मैंने कुछ सही किया है, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है एक दो बार जिसे मैंने प्रोड्यूस भी किया है और एक्ट भी किया है. और इस सब्जेक्ट को मोर देन एनीथिंग एल्स, मेरा बात छोड़िए, इस सब्जेक्ट को जो फीमेल फिटिसाइट है उसको नेशनल लेवल पर अवार्ड मिलना उस टॉपिक को लेकर, ये मेरे लिए मतलब, ये कहती हूँ ना मैं, मुझे लगता है मैंने कुछ सही किया है. ये मेरा अगला सवाल भी था कि आपके लिए आई थिंक ये डबल कांग्रेचुलेशन है, एक तो एप्रिसिएशन मिला एंड दूसरा ये कि एज अ प्रोड्यूसर जी पहली आपने जी ये जी 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 बिल्कुल. क्योंकि पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे प्रोड्यूस करना है, मुझे प्रोड्यूसर बनना है. जब इस स्टोरी को लाया गया था मेरे पास टू एक्ट इन, तब मैंने कहा कि मुझे ये बनाना है, ये मैं प्रोड्यूस करूंगी और कोई नहीं. तो मैंने, क्योंकि एक इतना इमोशनल सब टॉपिक है, इतना इमोशनल स्टोरी था, जिस किस्म से नरेशन भी मिला मुझे, पूरा मैंने फिर दिल लगाकर, हम सब ने मिलकर, रामकमल मुखर्जी माय डायरेक्टर, सब पूरे टीम ने एफर्ट डालकर ये फिल्म, एफर्ट तो हर पिक्चर में हर लोग डालते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनली भी इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएशन मिला है, अवार्ड्स भी जीते हैं हम लोग ने एक दुआ को लेकर. लेकिन यहाँ पे जो एक नेशनल अवार्ड फॉर अ टॉपिक लाइक दिस एंड योर फिल्म, मैंने उसे बनाया, तो एक बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग मिलता है. जिन्होंने अभी तक एक दुआ नहीं देखी है, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें कि जी ये फिल्म जी आई थिंक अभी बहुत लोग उठ के पूछ रहे कि कहाँ देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है. तो मैं जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर है एक दुआ. ये स्टोरी एक सिंपल फैमिली की है, और मैं स्टोरी को लेकर ज़्यादा बता भी नहीं सकती हूँ. टॉपिक है फीमेल फिटिसाइड, बेटी यू नो बेटियों को पैदा होने का मौका दो, यू नो, और एक इमोशनल स्टोरी है. और आप देखिए, मैं स्टोरी बोलूंगी तो मैं चाहूंगी सब देखे और जाकर. हाँ, जब भी कोई, जैसा कि आपने बताया कि ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, तब भी आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे प्रोड्यूस करूंगी और मैं ही इसका पार्ट. जी, तो जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है आपको पसंद आती है, हाँ, उसका मतलब नहीं कि मेरा हर फिल्म जो स्क्रिप्ट आता है मैं बोलूंगी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ. नहीं, या डेफिनेटली. और अब जाकर जो अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है एज एन आर्टिस्ट के. हाँ जी, तो पहले जो मैं करती थी, जो पहले फिल्म मैंने जितने भी किए अर्लियर, टीनी बॉपर, रोमांटिक, हंसना, रोना, गाना, खेलना, वैसे अब जाकर जहाँ पर मैं हूँ लाइफ में, और जो एक मैच्योरिटी आती है, नॉट जस्ट इन मी बट मोस्ट ऑफ द वुमेन, अलग एक सेंसिबिलिटी होती है, एक अलग पसंद होता है कि मैं इस किस्म के रोल्स करना चाहूँगी. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वैसा काम मिल रहा है. और उसे जब मैं सेट में जाती हूँ और उस किरदार को लेकर वो जब परफॉर्म करती हूँ, चाहे वो रुद्रा हो या अभी हंटर, उसमें भी एक बहुत ही अच्छा किरदार प्ले किया जहाँ पर एक मैसेज था यू नो ऑन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, वो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर था, एक्शन करने मिला. तो एक और फिल्म अभी आ रहा है मेरा मैं करके, उसका अभी शूट ख़त्म हुआ है तो वो भी बहुत जल्द आएगी. तो जो मैं टॉपिक्स लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर फिल्म को लेकर हम प्रीच तो भी नहीं करना चाहेंगे. सम फिल्म्स यू वांट टू एंजॉय डूइंग फन फिल्म्स आल्सो, बट एक अच्छा मैसेज हो कहानी में तो उससे बड़ा बात क्या हो. क्योंकि आप बहुत क्लोज मानी जाती हैं अपने मॉम के, तो एंड जब उन्हें ये पता चला एक दुआ के बारे में,
क्या रिएक्शन था, लिखा भी था तो उसके बाद जी उन्होंने कुछ डाला है आजकल तो सब सोशल मीडिया पे ही एक्सप्रेस होता है, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है एज अ मदर, क्योंकि ये जो कहानी है एक दुआ, और हम एज डांसर्स भी हमारे फैमिली में हम सब डांस भी करते हैं, क्लासिकल इंडियन क्लासिकल, वहाँ पर भी हम एक आइटम करते हैं नारी शक्ति को लेकर, तो यू नो उसमें भी मम्मी के तरफ से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब मैं उनकी बेटी ने इस को लेकर एक फिल्म बनाया तो शी इज़ वेरी प्राउड, एंड इस लेवल पर एक रिकग्निशन मिलना एक इट्स अ ब्यूटिफुल ओवरवेलमिंग फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये साल बहुत ही अच्छा है आपकी पूरी फैमिली के लिए, एंड मैंने देखा गदर जी जी बहुत ही अच्छा कलेक्शन भी चल रहा है और फिल्म बहुत अच्छी जी। जी मैं शायद इस साल का ये साल मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा है आपकी पूरी फैमिली के लिए। जी टच वुड, देखो सब एक तो हम फैमिली है, ऊपर से हम एक्टर्स हैं, सब ने अपने अपने फिल्म्स पर काम किया है और सब एक के बाद एक इसी साल आ रहा है, और लोगों को अच्छा लग रहा है, चाहे वो रॉकी और रानी हो या गदर टू हो, और अब एक दुआ को नेशनल अवार्ड मिल रहा है तो अच्छा तो लगेगा सबको साथ में, वी आर प्राउड। एंड लास्टली मैं के बारे में अगर आप कुछ बता सके कि क्या जॉनर होगा आपका एंड किस अंदाज में इस बार आप दिखाई दें। मैं के बारे में बात करना है, थोड़ा सा कुछ बता दीजिए जॉनर क्या होगा। मैं इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, और उसमें अमित साध वो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एक डीप स्टोरी है उसमें जी। तो कुछ विश करना चाहेंगे अपने दर्शकों को, चाहने वालों को जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है और जिन्होंने देखा है ये जो जी जी। पहले तो मैं मेरे सारे जितने फैंस हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमेशा इनकरेज किया है मुझे कैमरा के सामने आने के लिए, और अब जब मैं कर रही हूँ काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए, और आई लव यू ऑल सो मच, और मेरे लिए मेरे पूरे फैमिली के लिए जो एक यू नो दैट इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। तो और एक दुआ जिन्होंने नहीं देखा है और अब देखना चाहोगे वो जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर देखने मिलेगा आपको एक दुआ। थैंक यू। बर्थडे की बात करें तो क्या कुछ है ना, आज बर्थडे प्लान था और क्या किया आज बर्थडे प्लान।
कल से स्टार्ट हुआ, कल पहले प्रेस मीट के साथ डिनर था और बहुत अच्छी शुरुआत रही और अभी पूरा वीक ही बहुत अच्छा रहा। आज बहुत अच्छे 3 सॉन्ग्स हाथ में आए बड़े बड़े और बहुत ही अच्छा कुछ अनाउंसमेंट जो इन्होंने मुझे रोका हुआ है अनाउंस नहीं कर सकते बोला। बर्थडे के बहुत अच्छी, आज मैंने अपने आप को एक फ्लैग भी गिफ्ट किया, वेरी हैप्पी मी। थैंक यू सो मच फॉर डबल सेलिब्रेशन। कहाँ पे है फ्लैग? फाइनली आज के दिन मैं चाहती थी पेपर्स आ जाएं और आ गए, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। सो थैंक यू गाइज, इट्स योर ब्लेसिंग जिससे शायद इतनी आगे बढ़ रही हूँ, बस ऐसे ही प्यार करते रहे। ओके साकांक्षा, ये कहना चाहिए सबसे पहला विश किसने किया? सबसे पहला विश हमेशा की तेरे मेरी मॉम ने ही किया, हमेशा मेरी मम्मी ही करती है और मेरी बेस्ट फ्रेंड सतरूपा करती है, वो मेरे साथ होती है हमेशा। बोलते हैं ओके, लुक के बारे में जानना चाहेंगे, ये बार थोड़ा यूनिक और अलग लुक दिख रहा है, तो बताइए प्लीज थोड़ा लुक के बारे में। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे लुक में मैं हमेशा कुछ अलग करूँ और मुझे लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ भी अलग करती हूँ तो अच्छा लग जाता है, पर्सनालिटी कुछ ऐसी ट्राई करा एंड थैंक यू। आज हैप्पी बर्थडे है तो मैं केक काटने आई हूँ आकांक्षा के साथ और आज बहुत लोगों का बर्थडे है, मधुर भनारते का भी बर्थडे है, मार्कंड अधिकारी का भी बर्थडे है, तो सब लोगों को जो 26 अगस्त में पैदा हुए हैं, आज मदर थेरेसा का भी बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे ऑल उन सब लोगों को। नहीं नहीं नहीं, आज कोई डायलॉग नहीं होगा। चलो बाय, थैंक यू। I would say happy birthday to Akanksha and have a great year. I mean, she's already having a great year, I'm sure. Umar, kya kuch abhi chal raha hai? Aapki projects ke baare mein baat kar rahe the, kya kuch chal raha hai? Except song, agar you know, chote parde par. Except why except song? That's all. Chote parde par aane ka chance opportunity milta hai to. हाँ जी हाँ जी, ठीक है, पर्दा छोटा हो बड़ा हो काम काम होता है, माँ कहती थी कि काम कोई छोटा नहीं होता, तो आई मीन एक सॉन्ग आ रहा है, इट्स माय ओन रिटन सॉन्ग, आज पोस्टर रिलीज हुआ है, दिस वीक इट विल बी रिलीज, आई होप आप लोगों का प्यार चाहिए एंड आई होप इट वर्क्स। सॉन्ग का नाम है ट्रेंडिंग है, आज पोस्टर रिलीज हुआ है, इट्स अ वेरी गुड ओकेजन, आज ही पोस्टर रिलीज हुआ है, आज ही बर्थडे एंड समाव आपको मिलने का भी मौका मेरे को मिल गया, तो सॉन्ग विल बी रिलीजिंग लाइक नेक्स्ट वीक बट आई एम हियर फॉर आकांक्षा पुरी। हाँ, आई मीन आई एम ऑल अलोन हियर बिकॉज इट्स माय ओन सॉन्ग, सो आई थिंक दैट्स इनफ, बट मैं अभी आकांक्षा के बर्थडे के लिए हूँ, सो आई नहीं थी, सो आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी बर्थडे एंड या ओके। Bye.
तो आमिर एंड अदनान, सबसे पहले आज आकांक्षा का बर्थडे है, क्या कुछ विशेष रहेंगे आपके साइड से जानना चाहिए? हैप्पी बर्थडे तुम जिया और साल, तुम्हारी सब नेक जैसा तमन्ना पूरी हो जाए, और बहुत अच्छा काम कर ही रही है आकांक्षा वैसे, तो आने वाला साल भी उसके लिए बहुत सारा खुशी वाला साल रहे, और बेस्ट विशेस हम लोग की तरफ से। आप लोग साथ कोई मेमोरी अगर हो आकांक्षा के विश? विश के लिए तो बस इतना ही बोलूँगा, शी इज़ वन ऑफ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, अल्लाह और तरक्की दे उनको, वो ऐसे ही काम करते रहे और हमेशा स्माइल करते रहे और खुश रहे। अच्छा बर्थडे पे बात करें कि आपका थोड़े दिन पहले बर्थडे था, तो बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चल रहा था वो टाइम पे, आपने कुछ गिफ्ट दिया था, चूड़ियाँ दी थी एल्विश को, लेकिन बाद में एल्विश बिग बॉस ओनली टी टू के विनर हो चुके हैं। अच्छी बात है, टाइम हो गया है भाई बॉस को, जब होके टाइम हो गया है। अगर एल्विश जीता है तो एल्विश को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह और उसको तरक्की दे। बट हम लोग वो लोग में नहीं आते कि वजन देख के भजन करे, जिधर वजन है वो लोग जाके उधर भजन करते, पहले कुछ और बोलते हैं बाद में कुछ और बोलते हैं, वैसी अपनी आदत नहीं है। जो अपन ने बोले वो अपने को फील हुआ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्युनल और हेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, हमारे रिलीजन के लिए वो बोलता था, तो उस वजह से मैंने अपना POV शेयर किया था इंटरव्यू में। अब उस चीज़ को घुमा फिरा के टाइटल चेंज करके, तो आपका बाइट ऐसा था कि आपने ये कहा था कि वो घर में लड़ते जाते हैं लड़कियों से, वो बाद में बोला था उससे, नहीं गलत आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, जाके इंटरव्यू अगर आप देख सकते हो देख लेना। नहीं आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब मेरे जिम के पास क्वेश्चन हुआ था तो वो टाइम पे ये पूछा गया था कि आपके फेवरेट कौन है, तो मैंने मेरे फेवरेट का, मैंने अपना ओपिनियन, सबका अपना अपने फेवरेट होते हैं, तो मैं मेरे फेवरेट बताया। उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि एल्विश क्यों नहीं, तो मैंने बताया ये रीज़न था। अभी बर्थडे में आए हैं तो बर्थडे से रिलेटेड बात करते हैं, वो चीज़ बासी हो गई है, और अभी ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही है उस पर बात करें। अभी इंडिविजुअली सब नाजायज बच्चों को मैं जवाब देने तो जाऊंगा नहीं, अब जो जिसको बाप मानते हैं मैं बाप को बोलूंगा तो उसके बेटे को तो तकलीफ होगी ना, तो ये सब कुत्ते भौंकते रहते, शेर जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते, तो मैं वो सब कुत्तों को सबको इंडिविजुअली सबको जवाब देने बैठा नहीं हूँ। अगर सब सामना होएगा कभी वन ऑन वन तो बात कर लेंगे और जवाब दे देंगे उनको। अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं, जिम ही चल रहा है अपना और कुछ नहीं अभी फिलहाल तो। क्या कहना चाहोगे एल्विश को बिग बॉस जीतने के बाद? अच्छी बात है, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद अभिषेक। मेरे हिसाब से अभिषेक डिजर्विंग है, बहुत अच्छा खेला, उसकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, और बेचारा बीमारी। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं ट्रिगर्ड इंसान के लिए कुछ बोलना पाऊंगा, एज अ भाई उसने जो मेहनत किया अपने भाई के लिए वो देखने को मिला, तो भाई भाई का जो प्यार था ना वो बहुत प्यारा था, अमेजिंग था वो जो सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस। और भी जाना है जल्दी करो।
वालों को जाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा इतना एक्साइटेड रहते हैं। मैंने अच्छा आइडिया दे दिया। ओके खतरों के खिलाड़ी कितने देख रहे हो? आपके फ्रेंड शहजाद भी है अभी तक चल रहे खतरों के। Shazan is there and so many other people are there. I hope Naira everybody has a friend. Naira D is there and I'm very very happy for all of them. Bahut tough hai ye sab karna. Main bilkul bhi nahi kar sakti. So I hats off to everybody who can do it. Chalo let's wish Akanksha. Akanksha, happy birthday. Love you, love you, love you so much. Guys, stop it. It's a backup. I'm not keeping any backup. Please back up. हाँ अबे रुको जरा क्यों मिला पता है क्या इन लोग को पता है क्या कुछ इन लोग को भी कुछ नहीं पूछ मैं सीएम साहब को इसके लिए मिला आज क्योंकि उन्होंने मेरे को एक वादा किया था जो गांव में मैं छोटा से बड़ा हो गया ना वो गांव को हार डांडा कहते डांडा गांव वहां पे कुछ ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत नहीं है कि एम्बुलेंस से वो हॉस्पिटल तक जाए और इसके लिए मैंने शिंदे साहब को बोला था कि मुझे मेरे गांव के लिए एम्बुलेंस चाहिए तो आज उन्होंने मुझे एक एम्बुलेंस गिफ्ट की मेरे गांव के लिए तो 24 घंटा वो फ्री चलेगी अभी जिनको ज़रूरत है हाँ तो यही करता है मैं हाँ हाँ चलो करते रहो आप करते रहो हम आपके साथ हैं।